तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, हमने लास्ट क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कवर किए। अब उसी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज किया जाता है, अब उसके थोड़े से हम लोग रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहली चीज कि पार्टनरशिप डीड, आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम पार्टनरशिप के बारे में सारी टर्म्स और कंडीशन लिखते हैं। बट जरूरी थोड़ी है कि हम डीड बनाते हैं, हमारे पास एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं ना, ओरल और रिटन। और रिटन एग्रीमेंट बनाने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि हमने सारी चीजें लिखी हो डीड में, हो सकता है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में नहीं लिखा कुछ भी। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करोगे, ऐसा हमने प्रोविजन में भी पढ़ लिया था। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी ये कहता है कि अगर आपने डीड नहीं बनाई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कुछ भी नहीं लिखा है उसके अंदर, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करोगे। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है बट वो साइलेंट है अबाउट द ट्रीटमेंट। अबाउट द ट्रीटमेंट का मतलब भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है कि फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, पर इस एक्सपेंस का नेचर क्या है, ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की जाएगी एज एन एक्सपेंस, और अगर ये अप्रोप्रिएशन है तो ये डेबिट की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। अगर ये ट्रीटमेंट साइलेंट है, नहीं बताया क्वेश्चन में आपको कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन, तो आपको उसे क्या कंसिडर करना है, अप्रोप्रिएशन। और अगर आप उसे अप्रोप्रिएशन कंसिडर करते हो तो कौन से अकाउंट में लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो तीन बातें सामने निकल कर आती हैं फिर, अगर आप उसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख रहे हो तो तीन चीजें आपको चेक करनी होंगी। आपके पास जो प्रॉफिट है अगर वो इतना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रॉफिट है 10,000 का और इंटरेस्ट आपको सिर्फ 8,000 का ही निकल कर आ रहा है, तो आप पूरा इंटरेस्ट अलाउड करोगे अग्रीड रेट पे, यानी कि जितना भी रेट मेंशन होगा आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करोगे अपने सभी पार्टनर्स को, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो। अगर वो प्रॉफिट बराबर भी आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो भी आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करोगे। अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम आ रहा है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट बन रहा है 12,000 का लेकिन प्रॉफिट आपके पास सिर्फ 10,000 का ही है, और अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, बांट उतना ही सकते हो जितना है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हम तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ होगा, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास कुछ नहीं है बट कम है, इनसफिशियंट है। खर्चा 12,000 का है, प्रॉफिट सिर्फ 10,000 का है, तो आप सिर्फ 10,000 का ही इंटरेस्ट दोगे। अब बात यह आएगी कि किसको कितना मिलेगा फिर, तो उसके लिए हम एक प्रपोर्शन, एक रेशो निकालेंगे, प्रपोर्शनेटली हम लोग बांट देते हैं फिर वो, भाई जिस जिसका जितना इतना इंटरेस्ट बनता होगा वो कैलकुलेट करने के बाद एक रेशियो से कैलकुलेट करते हैं हम, तो प्रोपोर्शनेटली हम जिसको थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं, ठीक है। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास सफिशियंट प्रॉफिट है पूरा अलाउड करोगे, इक्वल प्रॉफिट है तो भी पूरा अलाउड करोगे, लेकिन अगर इनसफिशियंट प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतने तक का ही इंटरेस्ट आप अलाउड करेंगे, ठीक है। और बांटेंगे कैसे, कैसे बांटेंगे, प्रोपोर्शनेटली। उसके बाद अगर क्वेश्चन खुद ही मेंशन कर दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो पहली बात चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और पूरे अग्रीड रेट पे दोगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो क्वेश्चन में चाहे लॉस। अगर कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जा रही है, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आप उसको पूरा दोगे, ठीक है। उसके बाद बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ही है और आपको क्वेश्चन में लॉस है, तो लॉस के केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रोप्रिएशन अगेन वही वाली बात है, होगा तो देंगे नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट किया जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो ओपनिंग बैलेंस पे, या जैसे जैसे आपकी कैपिटल चेंज होती है, जैसे जैसे आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हो इंटरेस्ट अलाउड करते हो। आपको लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 5% से, तो भाई 5% का मतलब है पर एनम तो नहीं लिखा ना आगे, तो दैट मीन्स टाइम कंसिडरेशन नहीं देखना,
पूरे साल का इंटरेस्ट अलाउड होगा। बट अगर यहाँ लिखा है 5% पर एनम लिखते ही आ जाता है कि पूरे साल का इंटरेस्ट है, यानी कि टाइम कंसिडरेशन है। तो अगर सपोज करो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 जुलाई को, 31 मार्च को आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, पूरे साल का या कुछ महीनों का? 1 जुलाई को आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, आप 31 मार्च को कैलकुलेशन करने बैठे इंटरेस्ट की, तो पूरे साल के लिए इंटरेस्ट लगाएंगे या फिर 9 मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि पर एनम वर्ड लगा है। बट वहीं पे अगर ये बात मैं यहाँ बोलूँ तो भले ही आपने 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस करी हो कैपिटल, आप पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ टाइम कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको जर्नल एंट्री करने के लिए आती है तो पहली एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ने पे क्या होते हैं, डेबिट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स को अलाउड की जा रही है, तो पार्टनर्स को हम कुछ भी अगर प्रोवाइड करते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है ना, तो कैपिटल्स बढ़ रही हैं। कैपिटल बढ़ने पे क्या होती हैं, क्रेडिट। तो इसीलिए हमने फर्स्ट एंट्री करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। भाई अगर आप फिक्स कैपिटल मैथड फॉलो करते होगे तो करंट अकाउंट लिखोगे, फ्लक्चुएटिंग फॉलो करते होगे तो कैपिटल अकाउंट लिखोगे। ठीक है, अगर आपने ये एंट्री पास करी तो लास्ट में जब ईयर एंड होता है तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जितने भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, और वो एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इसलिए हमने सेकेंड एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही रीजन है कि जब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो आप डेबिट साइड में लिखते हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये एक्सपेंस हमने इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, आप इन दोनों की प्लेस पे कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, जो कि कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट हुआ और यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ठीक, अब हम जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 32 इज, मोली एंड भोली कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स देयर कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं, एक ने 20,000 की कैपिटल लगाई और एक ने 10,000 की। दे डिसाइड टू अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करने की बात की गई है, मतलब अलाउड करने की। द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1500, और पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1500। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अकाउंट में शो करते हो आप, एप्रोप्रिएशन में। हालांकि इसमें आप कैलकुलेशन भी दिखाते हो तो भी चलता, बट मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, पहला पार्ट है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। उन्होंने कहा हमने कोई एग्रीमेंट नहीं बताया, एग्रीमेंट नहीं बनाया है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि हमने किसी भी चीज के लिए एग्रीमेंट नहीं बनाया लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एग्रीमेंट है। एक्सेप्ट का मतलब क्या, उसको छोड़कर किसी भी चीज के लिए एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब देना तो पड़ेगा आपको इंटरेस्ट। तो यहां पर सबसे पहले आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, पहले आपने वो ट्रांसफर किया, देखो आपको 1500 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। पहले वाले की जो कैपिटल है वो 20,000 है, 20,000 का 6% कितना हुआ, 1200। 20,000 का 6% 1200। दूसरे की कैपिटल है 10,000, 10,000 का 6% 600। बारह सौ और 600 कितने का खर्चा हो गया आपका, कितने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, 1800। प्रॉफिट कितना है, कौन सा केस है, व्हेन प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। तो हमें यहां पर एक प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, एक रेशो निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे निकालोगे, पहले वाले का इंटरेस्ट कितना है, 1200। दूसरे वाले का इंटरेस्ट कितना है, 600। आप इससे एक रेशो निकाल लो, क्या रेशो निकल रही है आपकी यहां से, 2:1। हमने क्या किया, अपने खर्चों का एक रेशो निकाल लिया, भाई पहले मोली की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 1200 है, भोली के लिए 600 है, तो हमने उनके अमाउंट का एक प्रोपोर्शन निकाल लिया, एक 2:1। अब कैसे सॉल्व करोगे इसे, आप यहां लिखोगे 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था, सॉरी उस कॉन्सेप्ट में, कि अगर कभी प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट दोगे, यानी कि जितना प्रॉफिट है वही बट जाएगा प्रोपोर्शनेटली। प्रॉफिट कितना आपके पास 1500, तो आप ना इस 1500 को बांटोगे इस रेशो में। अब इंटरेस्ट कितना था उससे कोई मतलब नहीं हमें, हमने तो उनका अमाउंट क्वांटम निकाल लिया है, क्वांटम्स का प्रोपोर्शन निकाल लिया है। तो 1500 को इस रेशो में बांटेंगे आप, आपने क्या किया 1500 यानी कि जो भी प्रॉफिट है उसे ही हमने इस रेशो में डिवाइड कर दिया, तो इसको मिले 1000 और इसको मिले 500। तो देखो आपके पास अब फर्दर कुछ नहीं बचा है बांटने के लिए, तो यहां पर आपका टोटल भी आ गया 1500। तो ये था वो वाला कंसेप्ट जहां पर हम क्या करते हैं, जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है सिर्फ उतना ही हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस तरीके से, एक रेशो कैलकुलेट करके। ठीक है, इसका सेकंड इज व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है और एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। तो अब चार्ज वर्ड सुनते ही सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि ये कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा। चार्ज कहां लिखे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हम बनाएंगे यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो मेरे पास है नहीं। अब दूसरी बात जो चार्ज पढ़ते ही हमारे माइंड में आनी चाहिए कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें पूरा इंटरेस्ट अलाउड करना है। हम यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था 1500। अब आपको ये सोचना ही नहीं कि इंटरेस्ट कितना है, भाई पूरा दो, क्यों, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए आपको पूरा अलाउड करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट तो हम कर ही चुके थे ऑलरेडी, मोली की जो कैपिटल थी वो 20,000 की थी, तो 20,000 का 6% 1200, जो भोली थी उसकी कैपिटल 10,000 थी, 10,000 का 6% 600, तो टोटल आपका इंटरेस्ट आ रहा है 1800। क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, इधर 1500 है इधर 1800 है, इसका मतलब लॉस हुआ हमें, तो आप यहां लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा कैपिटल मेथड है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानकर चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स मोली और भोली। कितना लॉस आ रहा है आपको, 1800 माइनस 1500 यानी कि 300 का रेशो थी हमारे पास 2:3 यानी कि 2/5 और इधर आएगा 3/5, तो कितना कितना आ गया 120 और 180 और टोटल आ गया 1800। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।